हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर यानी कि MDS यूनिवर्सिटी ने जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती 2023 में आयोजित होने वाली आपके यहाँ पर पूरक परीक्षाएं घोषित थे कि आपके यहाँ पर जो भी योग्य घोषित कैंडिडेट हुए हैं उनकी पूरक परीक्षाएं आयोजित किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, पूरक परीक्षा यानी कि आपका जो मेन एग्जाम है उसमें आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं ई मित्र क्यूशिक के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन आप स्वयं भी भर सकते हैं। ठीक है, और आपको MDSE.org के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो आपके फॉर्म 28 अगस्त से लेकर आपको यहाँ पर 4 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, दोनों की फीस आपको यहाँ पर रखी गई है BA BSc BCom पास ऑनर्स BSc गृह विज्ञान अंतिम वर्ष के लिए, और BCA और BSc, ठीक है, BSc और IT कंप्यूटर साइंस, बायोटेक और न्यूचुरोपैथी एंड योगिक साइंस फाइनल ईयर के, ध्यान रखना है फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट के लिए ये आपका सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। दोनों की फीस सेम है, 670 रुपये फीस आपको यहाँ पर जमा करवानी होगी। ठीक है, ऑनलाइन ही, जिसकी आपको यहाँ पर देते हैं बिना विलंब शुल्क आप फीस जमा करवा सकते हैं 4 सितंबर तक। ठीक है, सोमवार तक। ठीक, और इसके बाद यदि आप यहाँ पर इस तक फीस जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 670 रुपये में आपको यहाँ पर 60 रुपये और भी ऐड करने होंगे, वो फीस आपको जमा करवानी होगी, जिसकी यहाँ पर स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक आपको यहाँ पर लेट फीस तक आप जमा करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी यदि आप यहाँ पर 8 सितंबर तक भी अपना फॉर्म एग्जाम आप नहीं भरवाते हैं तो उसके बाद आपको डबल फीस लगेगी। डबल फीस का मतलब आपको यहाँ पर जो 60 रुपये लगेगी उसकी डबल फीस आपको यहाँ पर हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर 9/9/2023 से लेकर 10/11/2023 यानी कि आपको यहाँ पर 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक अपना फाइनल लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको जमा करवाने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके सभी जो परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं का 2 से 5 तक आपके यहाँ पर जो प्रिंटेड हार्ड कॉपी है जो आपके सप्लीमेंट्री फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को आपको जमा करवाना होगा अपने संबंधित महाविद्यालय अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा करवानी होगी, जिसकी लास्ट डेट 11 सितंबर 2023 रखी गई है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर लास्ट डेट के आपको यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री की जो लास्ट डेट है यदि आप 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसके तौर पर आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय कार्यालय यानी कि MDS यूनिवर्सिटी पर जाकर आपको जमा करवाने होंगे, अजमेर जाकर आपको जमा करवानी होगी, जिसकी लास्ट डेट 13 सितंबर 2023 से रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखकर संबंधित महाविद्यालय से अग्रेसित करवाकर यानी कि आपका जो फॉर्म है उसमें आपको अपने जो कॉलेज है उसके साइन का आपको साइन भी करवाने होंगे। ठीक है, सील चपका कर आपको लेकर जाना होगा यूनिवर्सिटी में, आपको फॉर्म जमा करवाने होंगे यदि आप लास्ट के जो लास्ट डेट में अपना फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट आपको यहाँ पर देते हैं, लास्ट की डेट यहाँ पर दी गई है, ये महाविद्यालय द्वारा है आपकी जो एग्जाम फॉर्म उसको सेंड करेगा यूनिवर्सिटी को, जो कि 13/9/2023 लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और अब बात करते हैं यहाँ पर देखते हैं जो अभ्यर्थी अनिवार्य विषय आप जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर विषयों में पाठ तृतीय की परीक्षा के साथ अनुत्तीर्ण किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क की राशि 670 रुपये आपको यहाँ पर जमा करवानी होगी। ठीक है, अनिवार्य विषय आपको यहाँ पर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये आपके अनिवार्य विषय होते हैं, इसमें यदि आप पास नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पर 670 रुपये फीस जमा करवा कर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षा यहाँ पर परीक्षा परिणाम में देरी के कारण जो अभ्यर्थी पूर्व परीक्षा योग्य घोषित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा घोषित होने के 10 दिवस परंतु आपको परीक्षा आरंभ होने की तिथि से पूर्व बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी छपे हुए यानी कि प्री प्रिंटेड आवेदन आपको यहां पर आवेदन पत्र मैन्युअली ऑफलाइन प्रक्रिया से आपको विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर भर सकेंगे, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर वर्ष 2023 की पूर्व परीक्षा हेतु। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के कारणों को
छात्रों को भी परीक्षा में प्रविष्ट होने की विशेष अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा यानी कि आपका मेन एग्जाम हुआ है उसमें आपको जो छात्र हैं किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति विशेष प्रदान की जाती है। यानी कि आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप एग्जाम दे सकते हैं सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के, ठीक है। और ऐसे छात्र जिनका मुख्य परीक्षा 2022 का पुनर्मूल्यांकन का परिणाम मुख्य परीक्षा 2023 के प्रारंभ होने की दिनांक के पश्चात घोषित हुआ है तथा वे पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप अनुत्तीर्ण से पूर्व घोषित हुए हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर आपने जो है रिचेचिंग आपका रिचेचिंग का फॉर्म भरा है, आप उसमें फेल हो चुके हैं तो वो कैंडिडेट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या रखना है कि जो आपको यहाँ पर देखते हैं यानी कि रिचेचिंग का फॉर्म जिन्होंने भरा है और फेल हो चुके हैं वो भी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परंतु पूरक प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा 2023 में प्रविष्ट नहीं हो पाए हैं, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा में आपने एग्जाम नहीं दिया है वो यहाँ पर उन्हें भी पूरक परीक्षा 2022 में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर होने के लिए परीक्षा 2022 की पुनर्मूल्यांकन की अंक तालिका की प्रति यानी कि फोटोकॉपी देनी होगी और पुनर्मूल्यांकन पत्र की छाया प्रति सहित प्रार्थना पत्र पूरक परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि छात्र अपने पुनर्मूल्यांकन परिणाम की फोटोकॉपी के प्रति आवेदन नहीं करते हैं तो ऐसे छात्रों का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा जिसके समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं होंगे, ठीक है। पूर्व परीक्षा में छपे हुए आपको यहाँ पर आवेदन पत्र निरस्त आपको यहाँ पर आवेदन पत्र मैन्युअली ऑफलाइन प्रक्रिया से आपको कार्यालय में उपस्थित करके जमा करवाने होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीसरे पॉइंट वाले कैंडिडेट भी आपको यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी में जाकर पूर्व परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व जिन अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिचेचिंग 2022 का परीक्षा परिणाम पूरक परीक्षा घोषित होता है, ठीक है। यानी कि आपका पुनर्मूल्यांकन का आपका रिजल्ट रिचेचिंग का रिजल्ट आ जाता है तो वे पूरक परीक्षा हेतु योग्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहां पर जो आप जो सप्लीमेंट्री का जो स्टूडेंट आपने रिचेचिंग का फॉर्म भरा है और आप उसमें फेल हो चुके हैं, ठीक है, आप पास नहीं हुए हैं और आपका आपका ध्यान रखना है कि पुनर्मूल्यांकन आपका 2022 का होना चाहिए तो आप 2023 के पूर्व परीक्षा में आपका एग्जाम दे सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका मूल्यांकन 2023 का परिणाम पूरक परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि के पश्चात आया है, यानी कि 2000 आपने पुनर्मूल्यांकन किया 2023 वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने आपको यहाँ पर रिचेचिंग का फॉर्म भरवाया और उसका परिणाम आपको यहाँ पर दे सकते हैं पूरक परीक्षा मेन एग्जाम 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी कि आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म, ठीक है, आपका जो मेन एग्जाम फॉर्म है उसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि के पश्चात आया है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका आया है रिजल्ट आया है तो ऐसे अभ्यर्थी भी आपको मेन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। प्रारंभ होने की पूर्व व्यक्तिगत विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग से संपर्क कर अपना पूरक परीक्षा 2023 हेतु मैन्युअली ऑफलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भर कर रजिस्ट्रेशन करवा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग यानी कि आपको यहाँ पर जो है आपको व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सिटी जाना होगा अजमेर और वहाँ पर आपका जो भी संबंधित विभाग है वहाँ पर जाकर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। छठा पॉइंट है संबंधित महाविद्यालय के सभी प्राचार्यों को इस विज्ञप्ति से माध्यम ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट के लिए कॉलेज वाले के लिए है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बता दी है, कोई भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट में ही दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। और अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, उस पर मैं आपको प्रॉपर वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको गलती नहीं करनी है तो एक वीडियो जरूर देख लेना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, यदि आपके ज़्यादा कॉमेंट आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय।